हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है, आज कुछ ऐसे चीज़ पे हम वीडियो लेके आए हैं जिसको कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हो, अगर आप लोग का वो सेक्टर है तो। सो रिसेंटली मैंने आप लोग को बताया था कि आई एम करेंटली डूइंग ऑनलाइन MBA फ्रॉम DY पाटिल। अगर आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। एन इम्पॉर्टेंट अपडेट, वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहा है, दिस वॉज द टाइटल, जिसे मैंने बताया था कि वीडियोज इस वजह से नहीं आ रहे थे बिकॉज आई हैड एनरोल्ड इन टू DY पाटिल ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम ऑफ MBA। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा डिसाइड करना दैट वेदर यू शुड गो फॉर ऑनलाइन MBA और ऑफलाइन MBA, या फिर वेदर यू शुड परस्यू योर फर्दर करियर एंड लाइक फर्दर स्टडीज फ्रॉम DY पाटिल और नॉट। तो ये चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जानकारी जो है वो शेयर करूंगी, एंड आई विश एंड आई होप कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करूंगी। सबसे पहला कि मैंने क्यों ऑनलाइन MBA फ्रॉम DY पाटिल चूज़ किया, एंड दूसरा कि सिंस जब से मैंने एनरोल किया उसके जस्ट एक वीक के बाद आई हैव रिसीव्ड ऑल द बुक्स फ्रॉम ऑनलाइन MBA प्रोग्राम। DY पाटिल के सारे बुक्स जो हैं जो मेरे इस सेमेस्टर में आएंगे वो सारे बुक्स आई हैव रिसीव्ड, तो उनका मैं बॉक्स लाइक अनबॉक्सिंग करूंगी एंड साथ ही साथ आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं उसमें, और अगर आप लोग ऑप्ट करना चाहते हो तो क्या आप लोग ऑप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप लोग को इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं द फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कि वाई आई ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन MBA फ्रॉम DY पाटिल। तो सबसे पहला रीजन था उसका अक्रेडिशंस। सो DY पाटिल के ढेर सारे अक्रेडिशंस थे विच आई रियली लाइक्ड, जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स थे उन सारे में आई लाइक द अक्रेडिशंस एंड रैंकिंग ऑफ DY पाटिल, जो कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए था। तो बात करते हैं इसके अक्रेडिशंस पे। तो सबसे पहला जो है इसका अक्रेडिशन जो है वो है UGC DEB अक्रेडिशन, सेकेंड है इसका AICTE अक्रेडिशन, तीसरा है इसका AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, फोर्थ है इसका NIRF रेटिंग जो कि 46 होता है, एंड द फिफ्थ वन है WES रेट अक्रेडिशन, एंड देन है NAC A++ यानी कि दो प्लसेस हैं इसमें, NAC A++ एंड ISO अक्रेडिटेड। तो ये सारा जो है ये इनका अक्रेडिशंस एंड NIRF रेटिंग है। सो बेसिकली सबसे बेस्ट पार्ट मुझे कौन सा लगा, सबसे पहला जो मुझे सबसे बेस्ट इसमें लगा वो है NAC A++ इसका रेटिंग, कि क्योंकि सिंस ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है फिर भी इसका रेटिंग इतना सही है, लाइक NAC A++ इज़ अ गुड रेटिंग फॉर एनी यूनिवर्सिटी। तो अगर वैसा इसका रेटिंग है तो आई थिंक कि इट्स अ गुड पॉइंट एंड अ प्रोस फॉर दिस यूनिवर्सिटी कि लोग इसमें एनरोल करें। एंड द सेकेंड वन इज़ द NIRF रेटिंग जो कि काफ़ी अच्छा रेटिंग भी है, एंड द थर्ड जो कि मोस्ट सबसे ज़्यादा हमको इसमें ये करा वॉज कि WES अक्रेडिटेड है। बेसिकली WES अक्रेडिटेड का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से अपना ऑनलाइन लर्निंग करते हो या फिर MBA अपना करते हो तो यहाँ पे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का वैल्यू उतना ही है जितना इंडिया में होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जो कि मुझे लगा कि अगर आप फ्यूचर करियर बनाना चाहते हो फॉरेन में और डिफरेंट कंट्रीज में जॉब करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो द सेकेंड रीजन इज कि क्यों, आखिर क्यों तुमको ऑनलाइन प्रोग्राम करना है, क्यों तुम्हारे पास ऑफलाइन कॉलेजेस नहीं थे या तुमको ऑफलाइन कॉलेजेस मिल नहीं रहे थे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने एग्जाम्स भी दिए थे एंड आई क्लियर दोज एग्जाम्स ऑल्सो, मुझे कॉलेजेस मिल भी रहे थे, बट द थिंग वॉज कि मुझे ऑफलाइन नहीं करना था उसका भी रीज़न है, एंड मुझे ऑनलाइन क्यों करना था उसका भी रीज़न है। तो मुझे ऑफलाइन इसलिए नहीं करना था एंड ऑनलाइन इसलिए था बिकॉज आई एम डूइंग अ जॉब राइट नाउ, मैं एक जॉब कर रही हूँ जिसमें कि मेरा सुबह का जो टाइम है वो बिल्कुल चला जाएगा, मेरे पास बिल्कुल नहीं बचेगा, एंड साथ ही साथ आई हैड सम कमिटमेंट्स एज वेल, तो मुझे उन सब चीज़ों को कम्प्लीट करना है एंड मैं अपनी जॉब छोड़ नहीं सकती हूँ, जिसके वजह से इट वॉज बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं एक ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम को में इनरोल करूँ MBA के। तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन MBA प्रोग्राम को चूज़ किया, एंड मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने लाइक कंपेयर किया डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के,
एंड प्रोग्राम तो बेसिकली MBA ही था, बट डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मैंने कंपेयर किया एंड उसमें मुझे MBA फ्रॉम DY पाटिल ज़्यादा बेटर लगा. येस, बेटर देन Amity यूनिवर्सिटी एज वेल, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ भी रिकमेंड किया था कि आप Amity से कर लो, वाई यू आर नॉट डूइंग फ्रॉम Amity, वाई फ्रॉम DY पाटिल. बट अगर आप लोग कंपेयर करोगे Amity एंड DY पाटिल के ऑनलाइन MBA प्रोग्राम को, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर लगेगा फ्रॉम DY पाटिल ओनली, बिकॉज उसके जो अक्रेडिशन एंड रैंकिंग्स हैं वो मच बेटर हैं देन दैट ऑफ Amity यूनिवर्सिटी. सो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न, सेकेंड रीज़न एक्चुअली, कि मैं क्यों नहीं ऑनलाइन प्रोग्राम, क्यों नहीं ऑफलाइन प्रोग्राम मैंने ऑप्ट किया एंड वाई डिड आई चूज द ऑनलाइन प्रोग्राम. सो जस्ट बिकॉज कि मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, तो आई डिडंट वॉन्ट टू लीव दैट जॉब एंड वहाँ पे उसके वजह से मैंने ऑनलाइन पे चूज़ किया. तो यहाँ पे ऑनलाइन का ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोग्राम दैट यू कैन परस्यू. आप ऑनलाइन प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हो अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो, ताकि उसमें आपका जो समय है वो भी आप शाम में आप अपनी क्लासेस कर सकते हो. यू विल हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, एवरीथिंग यू विल हैव, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड जब एग्जाम्स भी होंगे तो यू कैन शेड्यूल योर एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू योर्स विल. सो जैसा आप चाहते हो आप उस हिसाब से अपने एग्जाम्स को शेड्यूल कर सकते हो. ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में सोच रही हूँ आप लोगों को देने का, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सारा प्लेटफॉर्म शेयर करूंगी जहाँ से मैं क्लासेस करती हूँ, जहाँ से मैं सारी चीज़ें को मैनेज करती हूँ. तो वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को ऑनलाइन MBA का फ्रॉम DY पाटिल सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी. एंड द सेकेंड पार्ट इज अगैन कि बुक्स. हाँ, सेकेंड चीज़ था कि मुझे आप लोगों को दिखाना था द बुक्स एंड ऑल जो कि मैंने रिसीव किया है फ्रॉम DY पाटिल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी. सो सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, व्हेन आई एनरोल्ड, जिस दिन मैंने एनरोल किया उसके जस्ट 5 to 7 days के बाद आई रिसीव द बुक्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. उसमें कोई पैसा नहीं लगता है आपको, कोई भी लोग 1 rupees का भी डिमांड नहीं करेंगे आप लोगों से. वो आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री में सारे बुक्स एंड सब कुछ जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो देंगे. तो स्टडी मटेरियल्स में बेसिकली वो लोग बुक ही देते हैं. सो जस्ट 5 to 7 days में बुक्स आ गए एंड आई रिसीव इट एंड मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी एंड आई रियली लाइक दोज कॉन्टेंट्स जो कि उसमें अवेलेबल है, लाइक मिलता है आपको बुक्स में. तो ये सारा जो है खुद का DPU का खुद का लाइक बुक्स एंड ऑल है जो वो लोग बनाते हैं. तो आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसे कॉन्टेंट्स के थ्रू जाओगे प्रॉपरली, तो लाइक कॉन्टेंट को गो थ्रू करोगे प्रॉपरली तो आप लोग को ये वीडियो ये जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं. सो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से बुक्स हैं, इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं एंड देन आप लोगों को हम दिखाते हैं कौन कौन से कितने कॉन्टेंट्स हैं इसमें एंड कितने सब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ पे मुझे रिसीव हुए थे DPU से इस पैकेजिंग में बुक्स, जो कि जिसमें टोटल 6 total सब्जेक्ट्स था फर्स्ट सेमेस्टर का. तो इसमें मुझे ये सारे बुक्स एक साथ रिसीव हुए जिनकी पैकेजिंग भी बढ़िया है, कोई भी डैमेज नहीं होगा आपके बुक्स को एंड लाइक किसी तरीके का डैमेज, क्योंकि ऊपर में ये लो अच्छे उसको फोल्ड कर देते हैं और एक कागज़ वगैरह लगा देते हैं ताकि फटने का भी कोई चांसेस नहीं है. तो पैकेजिंग भी बढ़िया थी एंड टोटल 5 books थे. तो एक एक करके हम आप लोगों को दिखाते हैं. सो सबसे पहले है मेरे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक. अगर आप ऑनलाइन MBA करते हो तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास टोटल होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुक्स होंगे एंड 6 सब्जेक्ट्स होंगे, राइट. तो उसमें आपका सबसे पहला जो बुक होगा ये होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो आपको रिसीव होगा, जो कि अगेन आप जब इसका पूरा कवर देखोगे तो ये पूरा DPU का खुद का बनाया हुआ है. सो ऐसा नहीं है कि वो लोग दूसरे का बुक दे देते हैं आप लोगों को. इसमें ऑलरेडी मैंशनड है DPU डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे डीम टू बी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग MBA. सो इसमें जब आप लोग जाओगे तो बेसिकली आप लोगों को मिलेगा कुछ कॉन्टेंट्स टोटल इसमें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टोटल आपको 10 chapters मिलेंगे. इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारा हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप लोग उसको गो थ्रू कर लेना. ओके, सो ये 10 chapters आप लोग को मिलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. नेक्स्ट बुक पे आते हैं. नेक्स्ट बुक आप लोग को मिलेगा मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का, जो कि अगेन सेम कवर एंड ऑल. इसमें टोटल आपके जो कॉन्टेंट्स हैं वो आप लोग को हम यहाँ साइड में मैंशन कर देते हैं. टोटल कॉन्टेंट्स इसमें हैं 15, टोटल 15 chapters हैं जो आपको कवर करने हैं. एंड कौन कौन से हैं ये हम आप लोग को दिखा देंगे साइड में. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बुक पे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाला बुक. अगेन इसमें भी आपका लमसम अराउंड सेम ही कंटेंट है. टोटल आपका 14 कंटेंट्स है इसमें, वो सारा भी हम आपको साइड में यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना. ओके, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का बुक। तो ये जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे एमबीए के, वो बेसिकली आपके बीबीए के जो 3 साल हैं उनसे रिलेटेड ही होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तब आपको कुछ नया नया टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको वही बीबीए के टॉपिक्स मिलेंगे। एक आध टॉपिक जो है वो आपका डिफरेंट हो सकता है, बट मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बीबीए का ही टॉपिक मिलेगा। सो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो बुक है इसमें भी आपको अराउंड 15 कंटेंट्स हैं टोटल, बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल 15 कंटेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 5th बुक पे, जो कि काफी मोटा बुक है, बाकी सारे बुक से काफी ज्यादा मोटा है ये बुक। तो ये बुक जो है ये है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि नाम से ही बहुत हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है। सो इसमें बेसिकली है आपका 15 कंटेंट्स, अगेन आपके पास सेम 15 कंटेंट्स ही है इसमें भी। तो अराउंड अगर आप लोग देखोगे तो आपको सेम ही नंबर ऑफ कंटेंट्स मिलेगा सारे बुक्स में, कहीं 14, कहीं 10, कहीं 15, अराउंड ऑन एन एवरेज उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का मोटा सा बुक है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है पढ़ने के टाइम पे। एंड नेक्स्ट जो है वो लास्ट बुक है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स किया है तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में ये टॉपिक, एंड साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी आप लोगों ने ये फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो सेम ही चीज़ है, बस कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एड ऑन हो जाएंगे इसमें। तो इसमें जो आपका टोटल कॉन्टेंट है वो अगेन 14 है, सो 14 टोटल कॉन्टेंट्स है। एंड ये चीज़ मुझे सही लगा कि वो लोग स्टडी मटेरियल्स आपको भेज देते हैं, जिसके लिए वो लोग अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी कॉस्ट नहीं बता लाइक चार्ज करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज द थर्ड थिंग इज, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। थर्ड थिंग इज द प्राइस, कि बहुत लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या प्राइस है ऑनलाइन एमबीए करने का। सो इट्स जस्ट 1,50,000 रुपीज़, जो कि सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कैसे कैसे आपको पे करना है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो गए तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग वन मोर वीडियो, जहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या उसमें कंटेंट्स मिलेंगे आप लोगों को, साथ ही साथ कितने महीने का सेमेस्टर होगा, साथ ही साथ एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा, एंड कैसे आप एग्जाम्स को अपने शेड्यूल कर सकते हो, कैसे आप असाइनमेंट्स दे सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म को ये लोग यूज करते हैं, एंड मेनी मोर डिटेल्स अबाउट दैट, और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उनके पेमेंट का, फीस के पेमेंट का। तो ये सारा चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कोशिश कर सकते हो तो कोशिश करो कि कमेंट कर सको कुछ भी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में, कुछ भी पूछना है, आप लोग फ्रीली कुछ भी कॉमेंट कर सकते हो, एंड आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियोज में ला के देती रहूंगी। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।